नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके गैजेट 360 हिंदी में। मेरा नाम है शुभम और आज मैं आपको बताने वाला हूं दो ऐसी ट्रिक्स जो आपके फोन के ऊपर अलाउ कर देगी आपको दो व्हाट्सएप नंबर चलाने के लिए। जी हाँ, पहले ऐसा थोड़ा कठिन होता था दो व्हाट्सएप नंबर चलाना एक ही फोन के ऊपर, लेकिन आजकल काफी ईजी हो गया क्योंकि आपके पास में क्लोन ऐप्स या ड्यूअल ऐप्स का फीचर है। हम आपको बताएंगे वो क्या होता है। ये मोस्टली एंड्रॉयड फोन्स पे आपको दिखेगा। अगर आपको iOS पे चलाना है तब भी आपको लेफ्ट आउट फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको iOS की भी तरकीब बताएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं, साथ में उस सब्सक्राइब बटन को भी ना दबाना भूले और उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए अगर आपको हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स में अपने एंड्रॉयड फोन के ऊपर और ढूंढना होगा ड्यूअल ऐप्स या ऐप क्लोन या ऐप ट्विन या पैरेलल ऐप्स के फीचर को। ये जो फीचर है ये डिपेंड करता है फोन टू फोन। अगर आपके पास में Xiaomi फ़ोन है, Samsung फ़ोन है, Vivo, Oppo, OnePlus, Realme या Redmi का फ़ोन है तो डिफरेंट नाम होंगे उसके अंदर। आपको जब ये एक बार मिल जाए तो आपको WhatsApp के साइड में जो टॉगल स्विच है उसे ऑन करना पड़ेगा। फिर आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए और उसके बाद में आपको अपनी होम स्क्रीन पर जाना होगा। जब एक बार आप होम स्क्रीन पर जाते हो तो आपको एक और व्हाट्सएप का आइकॉन दिखेगा और उसके बाद एक डिफरेंट सी मार्किंग भी देखने को मिलेगी जिससे कि आप इसे आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये डिफरेंट वर्जन है सेम ऐप का। इसके बाद आपको खोलना होगा और आपको अपने नए WhatsApp अकाउंट को रजिस्टर करना पड़ेगा अपने दूसरे नंबर के साथ में और फिर आप इन दोनों अकाउंट को साइमल्टेनियसली यूज कर पाओगे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग आईफोन की तरकीब की तरफ। तो इसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा व्हाट्सएप बिजनेस अपने आईफोन के ऊपर क्योंकि आईफोन के अंदर बिल्ट इन ड्यूअल ऐप्स या ऐप क्लोन फंक्शनैलिटी नहीं है। एक बार आप जब इसे इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको उसे खोलना पड़ेगा, फिर टैप करना पड़ेगा एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर और इसके बाद में व्हाट्सएप आपका जो फ़ोन नंबर है उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको चूंकि डिफरेंट नंबर यूज़ करना है तो आपको टैप करना होगा यूज़ अ डिफरेंट नंबर पे। बाद यस के ऊपर टैप करना होगा और फिर एंटर करना पड़ेगा वही ओटीपी जो आपको मिला है। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आपको अपना जो नाम है उसको डालना होगा अंडर बिजनेस नेम और चेंज करना पड़ेगा अपनी बिजनेस कैटेगरी को टू नॉट अ बिजनेस और फिर आपका जो दूसरा व्हाट्सएप अकाउंट है वो सेटअप हो जाएगा। आप इसे अब इस्तेमाल कर पाओगे अपने पर्सनल अकाउंट की तरह। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आई तो ज़रूर उस लाइक बटन को दबाएं, साथ में ही कमेंट्स में भी हमें थोड़ा सा प्रेम दिखा दीजिए और ये भी याद रखें कि टेक की सारी खबरों के लिए लॉगिन करें hindi.gadgets360.com पे।